अपने कॉन्स्टेंट मैच प्लस स्लाइडिंग मैच का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जिसमें आपने 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स स्पीड के साथ में ये ट्रैक्टर आता है। तो ये आप देखोगे तो जनवरी 23 की मैन्युफैक्चरिंग के साथ में ये ट्रैक्टर है। देखोगे तो डीजल के 2 फिल्टर हैं, डबल फिल्टर, तो ये कंपनी ने सिंगल कर दिया। एडजस्टेबल इसका फ्रंट एक्सल है। इसका बोर स्ट्रोक 110 mm इंटू 122 के बोर स्ट्रोक के साथ में ट्रैक्टर आता है। 122 mm के बोर स्ट्रोक के साथ में अपनी। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने व्हीकल गुरु यूट्यूब चैनल में। तो आज की डिटेल में आपके साथ में बात करेंगे स्वराज कंपनी के ऐसे ट्रैक्टर के बारे में जिसका बोर स्ट्रोक 110 mm इंटू 122 के बोर स्ट्रोक के साथ में ट्रैक्टर आता है और काफ़ी दमदार इंजन के साथ में ट्रैक्टर है। MRF के टायर इसमें डले हुए हैं। 14/9/28 के इसमें रियर टायर हैं और जो फ्रंट टायर है इसमें 750 के जो है फ्रंट टायर दिए हुए हैं। तो ये जो ट्रैक्टर है ये स्वराज 744 XT 4 स्टार में, अभी 5 स्टार में भी लॉन्च कर रखा है कंपनी ने, वो भी किसान साथी ले सकते हैं। सबसे पहले बात करें इस ट्रैक्टर के लुक वाइज, अगर लुक वाइज आप देखोगे तो इसमें आपने स्वराज 744 की बैचिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी और वही आपको राइट साइड में देखने को मिलेगी। उसके नीचे आपने 4 स्टार और रिवर स्पीड का लोगो भी आपने मिल जाएगा। फ्रंट में आप स्वराज की बैचिंग देख सकते हो और जो इसकी लाइट्स हैं एलोजन टाइप की, काफ़ी बढ़िया लाइट्स हैं, ठीक है। बाकी जो बोनट वगैरह इस शो में कोई चेंज नहीं किया है लुक में कंपनी ने, उसी लुक के साथ में लगातार बनी हुई है क्योंकि काफ़ी पसंदीदा लुक है किसान भाइयों का ये। अगर सबसे पहले किसान साथियों आपने देखने को मिलेगा फ्रंट एक्सल, फ्रंट एक्सल देखोगे तो आप इसमें आप एडजस्टेबल इसका फ्रंट एक्सल है, इसको आप अपने काम के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और हैवी ड्यूटी इसका फ्रंट एक्सल है। पावर स्टेयरिंग देखोगे तो इसमें आपने सिंगल जैक सिंगल एक्टिंग के साथ में मिलेगा, जो कि आपने लेफ्ट साइड वाले टायर की साइड में आपने मिलेगा। और आप देखोगे तो इसका जो कंटेनर है ऑयल का, ये यहाँ पर मिलेगा, इसका अलग से कंटेनर मिल जाएगा ऑयल के लिए। जो पावर स्टेयरिंग ऑयल है उसका जो कंटेनर होगा वो अलग से आपको मिल जाता है। एयर क्लीनर इसमें आपने 3 स्टेज वाला ऑयल बाथ टाइप का एयर क्लीनर है, जो कि 3 स्टेज पे वर्क करता है, काफ़ी अच्छी वर्किंग है इसकी। और आप देखोगे तो डीजल के 2 फिल्टर हैं, डबल फिल्टर, तो ये कंपनी ने सिंगल कर दिया है। अभी भी स्वराज कंपनी डबल फिल्टर के साथ में वाटर सेपरेटर के साथ में बनी हुई है। यहाँ पर आपने स्वराज की बैचिंग देखने को मिलेगी इंजन के ऊपर, ये जो स्वराज का ही इंजन है तो इससे आपने पता चलेगा। इसमें आपने 3 सिलेंडर बोस कंपनी के इनलाइन पंप के साथ में ये ट्रैक्टर आता है। अगर बात करें इस इंजन की CC और HP के बारे में तो 50 हॉर्स पावर का ये ट्रैक्टर है, जो कि 3478 CC का इसमें इंजन है। 110 × 122 mm के बोर स्ट्रोक के साथ में अपनी पूरी पावर जो है ये 2000 rated RPM पर जनरेट करता है, जिसकी SFC आपको अगर दिखाऊं मैं तो इसमें आप इसकी SFC 257 की दी गई है और किलोवाट में अगर देखोगे आप PTOHP तो 33.8 है और PTOHP जो इसकी है वो 44 हॉर्स पावर अपनी PTOHP जनरेट करता है 2000 rated RPM के ऊपर। ये आप देखोगे तो जनवरी 23 की मैन्युफैक्चरिंग के साथ में ये ट्रैक्टर है। उसके बाद दिखाऊँ आपने इसका रेडिएटर जो काफ़ी बढ़िया है और एल्यूमिनियम के साथ में ये अपना इसका रेडिएटर और काफ़ी बड़ा, जो कि ट्रैक्टर को लंबे समय तक कूलिंग जो है प्रोवाइड करेगा और ओवरफ्लो रिजर्वायर का जो टैंक है यहाँ पर मैं आपने मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा इंजन है और 3 सिलेंडर के साथ में ये ट्रैक्टर आता है और अपनी बढ़िया पावर जनरेट करता है। किसान साथियों के साथ में लगातार इसने अपना भरोसा जो है बनाए रखा है। डीजल टैंक की बात करें तो करीब करीब 65 लीटर का इसका डीजल टैंक है। यहाँ पर आपने सिंस 1974 यानी 1974 से लगातार कंपनी ट्रैक्टर बना रही है, उसकी बैचिंग आपने यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऊपर चढ़ने के लिए आपको सिंगल फुट स्टेप मिलेगा और जस्ट आप ऊपर चढ़ जाएंगे। बीच में आपने हल्का सा बम्प देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्मली है, कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब ड्राइवर को काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाला है। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। सीट अगर देखोगे तो काफ़ी चौड़ी बड़ी सीट है, डिलक्स सीट है, आप बैठोगे काफ़ी आरामदायक है और सॉलिड क्वालिटी के साथ में बनाई हुई जो सीट है कंपनी ने लगा रखी है। उसके बाद किसान साथियों आपने देखने को मिलेगा जो इसका मीटर है, डैशबोर्ड आप बोल सकते हैं, इसमें आपने कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, वही पुराना आपने डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, उसी टाइप में ही आपको मिल जाएगा।
डीजल के लिए, टेम्परेचर के लिए, बैटरी के लिए और आरपीएम मीटर यहाँ पर मिल जाएगा आपने। ये अपने एंड वाली रेस और वही स्वराज का स्टेयरिंग जो कि काफ़ी छोटा सा है और यहाँ पर हॉर्न का ऑप्शन यहाँ यहीं पर आपने मिल जाएगा। उसके बाद किसान साथियों मेन बात आती है अपने गियरबॉक्स के बारे में। गियरबॉक्स इसमें कौन सा, इसमें आपने कॉन्स्टेंट मैश प्लस स्लाइडिंग मैश का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जिसमें आपने 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स स्पीड के साथ में ये ट्रैक्टर आता है। सेंटर शिफ्ट के साथ में ये ट्रैक्टर आपको मिलता है, जो कि सेंटर शिफ्ट में स्वराज ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा सेल होता है। इसका कारण यही है कि इसकी जो गेयरबॉक्स की क्वालिटी है वो और ट्रैक्टरों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अगर ब्रेक देखोगे आप तो इसमें अपने तेल में डूबे हुए ब्रेक मिलेंगे, ऑयल इमर्स ब्रेक मिलेंगे और दोनों साइड में अपने पैर रखने के लिए जगह मिलेगी, आसानी से ड्राइवर लंबे समय तक काम कर सकता है। अगर क्लच की बात करें, इसमें अपने ड्यूअल क्लच के साथ में ट्रैक्टर आता है। इसमें आपने पीटीओ के लिए भी और गियर ट्रांसमिशन के लिए भी सिंगल यही क्लच आपको पैडल देखने को मिलेगा, जिसमें आपने ड्यूअल वर्किंग करेगा एक साथ में। अगर पीटीओ की बात करें, इसमें आपने 540 स्टैंडर्ड और सीआर पीटीओ देखने को मिल जाएगी। इसमें आपने रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये अपना टूल बॉक्स छोटा सा। अगर बात करें इसके हाइड्रोलिक कंट्रोल की, तो इसमें 2 लीवर है पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल के लिए, जो कि आपने पहले से ही काफ़ी अपने नॉलेज है भी किस वर्क में इसका यूज होता है। ये अपने ओजरी वॉल के साथ में डबल QRC कपलर्स इसमें आपने देखने को मिलेंगी, ओजरी वॉल विद डबल QRC कपलर। यहाँ पर आपने टूल बॉक्स मिलेगा विद चार्जिंग सॉकेट, 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट के साथ में यहाँ पर टूल बॉक्स दिया गया है। दूसरी साइड अगर आप देखोगे तो इसमें अपना बैटरी बॉक्स देखने को मिलेगा, जो कि स्वराज कंपनी लगातार इसी टाइप में ही पहले से ही लगातार दे रही है सभी ट्रैक्टरों के अंदर। ये अपने सेल्फ स्टार्टर, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो बड़ा सा फिल्टर आपने देखने को मिल रहा होगा, ये अपना हाइड्रोलिक के लिए जो अपनी लिफ्ट कंट्रोल होती है उसका जो ऑयल होता है यहाँ से सप्लाई होता है, फिल्टर होता रहता है। ये अपने डीजल जो अपना इंजन ऑयल है उसके लिए फिल्टर है, और जो ये पंप आपने देखने को मिल रहे होंगे इसमें आपने सेपरेट अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, जो अपनी पावर स्टीयरिंग के लिए और हाइड्रोलिक के लिए दोनों अलग अलग सेपरेट आपने अलग अलग मिल जाएंगे। और ये जो डिज़ाइन आप देखोगे साइलेंसर का, वो काफ़ी लंबे समय से पहले से ही जो कंपनी दे रही थी लगातार उसी के साथ में बनी हुई है, और काफ़ी शानदार आवाज़ के साथ में ये ट्रैक्टर आता है। इसकी आवाज़ भी आपने एक बार ज़रूर सुनावांगे। अब इसका करते हैं बैक साइड का व्यू, बैक साइड में क्या कुछ कंपनी इसमें फीचर अलग से दे रही है। तो बैक साइड अगर आप देखोगे इस ट्रैक्टर में, तो काफ़ी हैवी ड्यूटी इसका बैक एक्सल दिया गया, जो कि स्ट्रेट टाइप है। इसमें आपने डबल QRC कपलर्स मिल जाएंगे, जो कि आपने प्रेशर है रो MB प्लाव वगैरह में कहीं भी आप चलाओगे तो कोई भी परेशानी आपने इसमें देखने को नहीं मिलेगी। टोपलिंग की एडजस्टमेंट के लिए आपको इसमें 3 पॉइंट देखने को मिलेंगे, जिसमें सेंसिंग, नॉन सेंसिंग और मीडियम सेंसिंग का ऑप्शन आपने 3 मिल जाते हैं। हुक देखोगे आप इसमें, तो हुक के जो पॉइंट है इचिंग पॉइंट, वो डिफरेंट आपको इसमें मिल जाएंगे, अलग अलग पॉइंट्स हैं जो कि आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी पीटीओ की, पीटीओ में आपने 540 स्टैंडर्ड CR PTO आपने देखने को मिलेगी, और 44 HP की PTO HP है, जो कि किसी भी इम्प्लीमेंट को चलाने के लिए सक्षम है। अगर बात करें इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो 1700 kg लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ में ये ट्रैक्टर आता है, जो कि काफ़ी बढ़िया हो जाती है। इस HP सेगमेंट में आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है लिफ्ट क्षमता है, और जो सर्टिफाइड है कंपनी 1700 kg, उससे प्लस ही जो है इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी रहती है। तो ये था इस ट्रैक्टर का बैक एंड का व्यू। लाइट भी आपने इसमें मिल जाएगी, और काफ़ी अच्छे टायर के साथ में है, MRF के टायर के साथ में आपने बहुत कम ट्रैक्टर देखने को मिल जाते हैं। तो इस ट्रैक्टर का जो रेट है वो करीब 7 से 7.5 लाख रुपए के आसपास इसका रेट रहता है, जो कि एरिया वाइज अलग अलग रहता है। जहाँ भी आप जाओगे डीलरशिप पे आपने डिफरेंट जो है रेट देखने को मिलेंगे, स्टेट वाइज और ज़िले के हिसाब से भी आप अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इस ट्रैक्टर की वीडियो आपने कैसी लगी, वीडियो लाइक शेयर साथ के साथ करें, और जो भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे वो सब्सक्राइब भी साथ के साथ कर ले। और नेक्स्ट वीडियो किसान भाई आपको आपके लिए आएगी, क्योंकि जो अभी 4 स्टार की बजाय 5 स्टार में स्वराज 44 आया है, उसकी वीडियो नेक्स्ट आपने जल्द ही मिल जाएगी। तो उसकी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।